हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे जो सेशन्स हैं उन्हें एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है आप सभी के लिए। हम लोग जो है रेगुलर सेशंस लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों को सेशंस पसंद आ रहे हैं, कुछ लोगों को उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की नीड दिखती है। हम लोग अपने लेवल, अपने स्तर पर जो है इम्प्रोवाइजेशन के लिए बिल्कुल एफर्ट डालते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती है, कुछ नहीं भी लगती है। लेकिन आपका मेन फोकस पढ़ने पे होना चाहिए। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की लोड़ नहीं है। मेरा जो भी मोटिव है वो यही है कि आप सभी जो है वो 5 या 7 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आतंकवादियों द्वारा सीमा पर हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान किस देश के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुआ है? तो यह है ईरान। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान और पड़ोसी देश ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने को बढ़ाने और अपनी खुली सीमा पर अलगाववादी आतंकवादियों को हमलों से रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं। किस मंत्री ने भारत दाल ब्रांड के तहत 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की? तो ये है पीयूष गोयल। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू कर दी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित होने वाली है? तो ये है प्रगति मैदान। एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का 7वां संस्करण 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच 5 वर्षों में कितने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है? तो ये है 13 करोड़। नीति आयोग का कहना है कि 2015-16 के बीच 5 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। 15-16 और 19-21 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिराकर 14.96% हो गई है। RBI रुपए के व्यापार में तेजी लाने में मदद के लिए बैंकों ने एक SOP जारी करेगा। SOP का फुल फॉर्म क्या है? तो वह है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। विदेशी व्यापार के लिए रुपये आधारित व्यापार तंत्र में निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए RBI से निर्यातकों के लिए आवक प्रेषण के प्रमाण शीघ्रता से जारी करने के लिए बैंकों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने की उम्मीद है। 2023 के किस महीने में 20 लाख से अधिक नए कर्मचारी ESI योजना में नामांकित हुए? तो ये है मई। मई 2023 में लगभग 20.23 लाख नए कर्मचारी को ESI योजना के तहत नामांकित किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने खुलासा किया कि अंतिम पेरोल डेटा के आधार पर मई 2023 में 20.23 लाख नए कर्मचारियों को काम पर रखा गया था। अशोक लीलैंड को भारतीय सेना से कितने करोड़ का ठेका मिला? तो ये है 800 करोड़। अशोक लीलैंड को विशेष वाहनों के लिए भारतीय सेना से 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। दुबई में किस देश से आगंतुकों के आगमन में 23% की वृद्धि दर्ज की गई? तो यह है इंडिया। दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग ने कहा कि 2019 की इसी अवधि की तुलना में जनवरी मई के बीच में भारत से पर्यटकों के आगमन में 23% की वृद्धि देखी गई। महाराष्ट्र के किस शहर में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क PM मित्र पार्क लॉन्च किया गया? तो ये है अमरावती। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र सरकार और भारतीय कपड़ा मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके हाथ मिलाया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कितने करोड़ रुपए मूल्य का 1.40 लाख किलोग्राम से अधिक नशीला पदार्थ नष्ट किया गया? तो यह है 2378 करोड़। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में 1.40 लाख किलोग्राम से ज़्यादा कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में 2378 करोड़ रुपए नष्ट की, जो एक दिन का रिकॉर्ड है। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ASEAN की मित्रता और सहयोग संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बन गया है? तो यह सऊदी अरेबिया। जकार्ता में 56वीं ASEAN विदेश मंत्रियों की बैठक AMM के मौके पर सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर मित्रता और सहयोग संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बन गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को 105 पुरावशेष सौंपे? तो यह है USA। ओमान चंडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये केरला के थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य ओमान चंडी का मंगलवार सुबह बेंगलुरु के अस्पताल में निधन हो गया। वह 79 ईयर्स ओल्ड थे। 79 वर्ष के थे वो, 79 साल के। सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 चीन और किस देश का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? तो ये है रशिया। ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा सुरक्षा बॉन्ड
2023 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभियान शुरू किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना है। कौन सा बैंक हाल ही में $100 बिलियन मार्केट कैप क्लब में शामिल हो गया और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो ये है HDFC। भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने $100 अरब के बाजार पूंजीकरण क्लब में प्रवेश करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। युवा पर्यटन क्लब किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये है ईटानगर। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ट्विटर पर अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन सचिव स्वप्निल नाइक ने ईटानगर में युवा टूरिज्म क्लब लॉन्च किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में नई दिल्ली के पूसा में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में अपना कौन सा स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया? तो ये है 95th। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस पूसा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली के ने किस तारीख को विश्व सांप दिवस मनाया? तो ये है 16 जुलाई को। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने 16 जुलाई को विश्व सांप दिवस मनाया। विश्व सांप दिवस मनाने का उद्देश्य भारत में सांपों के बारे में जागरूकता, सांपों के प्रति अविश्वास और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में सांपों के महत्व को बढ़ाकर सांपों की रक्षा करना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 80। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 7 पायदान चढ़कर पिछले साल के 87वें स्थान से 80वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने? तो ये हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले इतिहास के 10वें क्रिकेटर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा सेशन, आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए सेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।